बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती है और सर्पदंश से कई इंसानी जिंदगियां काल के गाल में जाकर समा जाती है। आपको बता दें कि अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला और एक पुरुष को सांप के काटने के बाद इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बीजापुर नंबर 2 निवासी करण सिंह उम्र 40 वर्ष पिता बाबूलाल सिंह जो कि अपने खेत से घर वापस लौट रहा था अचानक रास्ते के किनारे जहरीले सर्प ने डस दिया। सर्पदंश के बाद परिजनों ने मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में भर्ती कराया। वही दूसरी घटना आज दिनांक 15 सितंबर सुबह 8 बजे की बताई जा रही है जिसमें खुशबू देवी उम्र 25 वर्ष पिता गुलाब सिंह ग्राम लखोरा जो कि अपने निजी कार्य से राजेंद्र ग्राम आ रही थी जैसे ही खुशबू घर से कुछ दूरी पर आई नाले के पास जहरीले सर्प ने डस दिया। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों ने पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ लाकर भर्ती कराया जहां पीड़िता का इलाज किया जा रहा है और पीड़िता खतरे से बाहर बताई जा रही है। गौरतलब है कि दोनों ही पीड़ितों का अस्पताल प्रबंधन द्वारा तत्परता दिखाते हुए इलाज शुरू किया जहां दोनों पीड़ितों की जान बचाई जा चुकी है और दोनों खतरे से बाहर है। क्या नाम है आपका? फुल्लर जी, क्या घटना हुई है? सांप चारों से। किसको? बिटिया को। कहां से आ रही थी बिटिया? घर से आ रही थी काम करने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हॉस्पिटल ले आने। अभी कैसी है उसकी तबीयत? खतरा है, सिज्जी गोली दवाई कर तुरंत भर्ती कर दी है। भर्ती कर दी है? तो अभी खतरे से बाहर है कि क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर अभी कुछ ठीक हो जाएगा कहा तो खतरे से बाहर है। बाहर है। आप अपने पुष्पराजगढ़ क्षेत्र वासियों को सर्पदंश इस समय क्या बारिश के समय में बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोग जो झाड़ फूँक के चक्कर में रहते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे ग्रामीणों को? आप भैया हम झाड़ा हॉस्पिटल आए। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। मंगल सिंह जी, क्या घटना हुई है? करण सिंह भाई को हमारे स्वस्थ आता है कम से कम 7 बजे के लगभग, तो हमारे एक परिचित की सर के दस कंडेल हाँ उसके से हमारे संपर्क हुए तो घर में किया जड़ी बूटी बाकी वो सलाह दिए हमको अस्पताल के लिए तो वहाँ से उठा के ले आए हम अस्पताल तो हमारे भाई का जान बचा लिए हैं। ग्रामीणों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या है गांव देहात में जो लोग बाग जड़ी के चक्कर में रहते हैं? नहीं, हम जड़ी के चक्कर न रहेंगे सर जी, हम उसी के सलाह पर रहेंगे। अब अस्पताल तो हमारा बहुत अच्छी चीज़ है, अस्पताल दिखाना हमको जरूरी तो है। मतलब आपका कहना ये है कि अगर सांप ने काटा तो उसको फौरन जो है हाँ, अस्पताल लेके जाए, लेके आए हैं, झाड़ फूँक जड़ी के चक्कर में ना रहें, है ना? कौन से ग्राम के हैं आप? बीजापुरी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अनूपपुर से धनपत पटेल की रिपोर्ट।